हाय ऑल, मैं श्रीनिवास नायक इंडिया से बात कर रहा हूँ। मुझे रिसेंटली यूके वीसा हासिल हुआ। मैं सुलेमान भाई को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप तमाम दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे जो दोस्त हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और किस तरीके से मैं उनकी फ़ाइल को सबमिट किया और किस तरीके से हमें जो है वो वीज़ा मिला। तो बाय द वे उनकी ज़बानी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हाय ऑल, मैं श्रीनिवास नायक इंडिया से बात कर रहा हूँ। मुझे रिसेंटली यूके वीसा हासिल हुआ। मैं सुलेमान भाई को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ। ये उन्हीं के वजह से हुआ है। सुलेमान भाई एक बिग यूट्यूबर है जो फॉरेन कंट्रीज़ के इमिग्रेशन सर्विसेज, ट्रैवलिंग सर्विसेज पे बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, और उस वीडियोस को मैं यूट्यूब पे देखा था और उस पे इंस्पायर होके मैं भी ट्राई करना चाहता था। तो मैं उनको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके उनको मेरा मेरा इंटेंशन बताया। तो उन्होंने मुझे यूके वीसा के लिए सजेस्ट किया। मेरा तो फ्रेश पासपोर्ट था, ये पहली बार जो मेरा पासपोर्ट में स्टैंपिंग हुआ, वीसा का स्टैंपिंग हुआ है। ये वीसा देख के तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आई अप्रिशिएट सुलेमान भाईज एफर्ट्स इन दैट। सो मैं सभी व्यूअर्स को यही एडवाइस करता हूँ, आपको किसी भी चीज़ की लाइक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस, सिस्टम कुछ भी चाहिए तो सुलेमान भाई को कांटेक्ट कीजिए, और इनका यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छा आ रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जो है वो दोस्त ने हमसे कांटेक्ट किया और मुझे पूरी की पूरी प्रोफाइल डिस्कस की। वो किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे और फ्रेश पासपोर्ट था उनका, तो मैंने कहा हम लोग क्यों ना यूके से स्टार्ट करें। जैसे कि मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि इस टाइम बेस्ट टाइम है यूके या शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, तो इस टाइम अप्लाई करना चाहिए। बाय द वे हमने उनकी फाइल तैयार की सारी की सारी, उनका बेस्ट ट्रैवल प्लान बनाया, उसके अलावा जो उनका फॉर्म एंड फिलिंग थी वो सारी की सारी की, उनका कितने डेज के लिए ट्रिप दिखाना है, उनकी बैंक स्टेटमेंट को कितना यूज़ करना है, वो वहाँ पे एक्सपेंस कितना करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने तैयार करके उनको दी। उन्होंने जाके VFS ग्लोबल में अपना केस सबमिट करवाया और फ्रेश पासपोर्ट पे उनको जो है वो यूके का वीज़ा मिला। अगर उनको वीज़ा मिल सकता है तो आपको भी वीज़ा मिल सकता है। दोस्तों ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक मकसद है, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट, बहुत ज़्यादा लॉयर्स के साथ मिला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनके पास आप जाओ उनके दफ्तर में कोई सक्सेस स्टोरी नहीं लगी हुई आपकी। और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे कंसल्टेंट से मिला हूँ जो कि बस सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में होते हैं, उन्होंने बड़ी जी दुकान भर के रखी हुई होती है जी, ऐसे पूरी लाइनें लगा के रखी होती हैं कि जी हमने ये वीज़े लिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, बट ज़्यादातर ये दिखाया गया है कि जो लोग ज़्यादा शो करते हैं वो कम काम करने वाले होते हैं। सो बाय द वे मेरा ये वे ऑफ वर्किंग नहीं है, अगर आप मुझे पिछले 4-5 साल से जानते हैं, बट स्टिल मैंने समझा कि यार अगर एक वीडियो आपके साथ शेयर की जाए दोस्त की सक्सेस स्टोरी, हो सकता है वो किसी भी इंसान के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले कि अगर किसी एक दोस्त को फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। लेकिन क्राइटेरिया फिर वही है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी यू नो लाइक फैमिली टाइज, आपकी ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब भी आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश पासपोर्ट पे बिल्कुल पॉसिबल है वीज़ा, बट डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूके विजिटर वीज़ा में या शेंजन विजिटर वीज़ा में, तो ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का के लिए। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।